Hello everyone, welcome back to our channel StartupLanes.com. My name is Neha and as you know, these are the series of interviews that we are conducting for the CEOs and founders of some excellent startups. For today's interview, we have with us Mr. Piyush Makwana. He is from Amreli, Gujarat and is currently the Managing Director at DHC Exports. At DHC Exports, they engage in offering premium quality Indian handicrafts as well as the oxidized items. So let's watch this video to know more about them and their offerings. So hello sir, I am Neha from Startup Lanes and we welcome you for this interview today. Thank you. Thank you sir. So sir, kindly please introduce yourself to the viewers. Yeah, I'm Piyush Makwana, DHC Exports MD. We DHC Exports, our company is manufacturing or exporting करती है. हैंडीक्राफ्ट के आइटम जो यूज जो होती है बेसिकली होम मेड होते हैं. ग्रेट सर. तो सर आपको ये फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का ही आपने क्यों सोचा? ये जो हमारा बिजनेस है मतलब हम लोग ये आर्टिस्टिक वर्क में है अब बोले तो ये मेरी फोर्थ जनरेशन होगी. ओके. बिजनेस हम लोग अभी कर रहे हैं अंडर DHC Exports. तो ये मेरे फादर ने शुरू किया था करीब 18 से 20 साल पहले. उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो वो प्रोडक्ट डेवलप किया था और ये यहाँ पे चल रहा है. हम लोग के बेसिकली गुजरात के अमरेली सिटी से है तो यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओरियल जो है वो मेरे फादर ने यहाँ पे सेटअप किया था. से लेके अब तक पूरे गुजरात मतलब हमारे स्टेट लेवल तक हम लोगों का माल पहुँच रहा था जाता था. हमारी पहुँच वहाँ तक हमारी सिर्फ स्टेट लेवल तक की लोकल स्टेट लेवल की. फिर जैसे ही मैंने अपना इंजीनियरिंग ख़त्म किया तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं अभी अगर कहीं और पे जॉब करूँ या बिजनेस डेवलप करूँ फिर क्या करूँ. अब मैंने पूरा 6-8 महीना ये सर्वे करने के लिए लिया कि क्या बेटर है फ्यूचर के लिए और कहाँ पे मेरी अपनी ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी और अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ज़्यादा थी. तो फिर मेरे को आइडिया लगा कि ये बिजनेस जो है मैंने बचपन से देखा था, मैं सीखता था, वहाँ पे काम भी करता था पहले से. जब स्टडी चालू थी तब भी मैं वहाँ पे रहता था तो मेरे को इसका बेसिक फंडामेंटल से लेकर पूरा इसका नॉलेज था बेसिक. तो इसको ही मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा तो इसमें मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दी थी तो इसलिए मैंने फिर जॉब करने की बजाय ये हमारा फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना. दैट्स ग्रेट सर. तो सर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में प्लीज बता दीजिए व्यूअर्स को. हमारे प्रोडक्ट में अभी बेसिकली हम लोग मेनली हमारा होम डेकोर के रिलेटेड रहता है सारी आइटम. जिसमें स्टार्ट करें तो ये तो पूजा मंदिर की वेराइटीज है उसमें काफ़ी सारी मतलब ये करीब 200 से 250 सैंपल्स हमारा से पूजा मंदिर के रहेगा. फिर डेकोरेशन पर्पस के लिए पूजा चौकी है, सेंटर टेबल है, चौकी हम लोग डेकोरेशन के लिए रखते हैं उसमें वेरियस टाइप्स है. फिर हम लोग होम डेकोर्स के लिए वॉल डेकोर्स में काफ़ी सारी आइटम है जैसे आर्टिस्ट टाइप के वॉल डेकोर्स, फोटो फ्रेम्स है, एंटिक फोटो फ्रेम्स हम लोग बनाते हैं. उसके बाद अगर तीसरी कैटेगरी में जाइए तो एंटिक टाइप की फर्निशिंग आइटम जैसे वार्डरोब बेड हो गया तो मतलब हम लोग इस तरह से कस्टमाइजेशन आइटम में या आपका पूरा ड्राइंग रूम का पूरा एंटिक टाइप का फर्नीचर सेट पूरा बनाते हैं. या फिर आपको अगर कोई बेडरूम में है या इस तरह का कोई एक रूम बनाना है तो उसका पूरा फर्नीचर एक ही थीम के में एंटिक थीम में हम लोग बनाते हैं उसमें सारी वेराइटी. फिर हमारे पास कॉरपोरेट गिफ्ट्स जो देने के लिए होता है उसमें काफ़ी सारी आइटम्स है. तो मतलब टोटल मिला के 2000 से ज़्यादा हमारे यूनिक सैम्पल्स है जो हमने डेवलप किए हैं हमारी कंपनी में. उसमें से अभी करंटली हमारे पास 150 प्रोडक्ट पेटेंटेड है जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है. वाह सर, बहुत बढ़िया. सर आप अपने ऑनलाइन इंटरनेशनल पोर्टल के बारे में भी बता दीजिए व्यूअर्स को. ये जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो किया था फिर मैंने बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए सोचा तो फिर ये क्या था कि मेरे को मेन मार्केट को ढूंढना था कि कहाँ पर हम लोग ज़्यादा सेल कर सके और हमारे प्रोडक्ट के लिए अपॉर्चुनिटी या मार्केट अच्छा मिल सके.
तो फिर हम स्टार्टिंग में अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जब ऑनलाइन सेलिंग करते थे तो पूरे इंडिया में वहाँ पर हमने ऑनलाइन सेलिंग कर देखा, तो वहाँ पे हमारा कस्टमर का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और बढ़िया रिस्पॉन्स था। उसमें हमारी रेटिंग भी आप अगर देखें तो एवरेज रेटिंग 4.5 स्टार से 5 स्टार की एवरेज रेटिंग रही है अब तक की। फिर उसके बाद हमारा जो था कस्टमर कि इंटरनेशनल कस्टमर भी हमारे पास आते थे जो तो हम लोग ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते थे, उनके लिए दिक्कत थी कि वो माल कैसे वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट कैसे मंगवाए, उनके यहाँ पे बैठे बैठे कैसे मंगवाए। तो हमने इसमें आगे डेवलप करके ये हमारी कंपनी का खुद का पोर्टल बनाने का सोचा कि हमारे ब्रांड की सारी आइटम्स जो भी है वो हमारे पोर्टल पे मिल जाएगी। अभी करंटली हमारा पोर्टल जो है dineshhandicraft.com नाम से है उसकी URL वेबसाइट का, तो वहाँ पे हम लोग अभी 40 कंट्री तक हमने हमारी रीच बढ़ाई है। वहाँ से तो अपने लैंग्वेज में किसी भी कंट्री की अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज में वो लोग प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे अभी कोई भी बैंक है तो या क्रेडिट कार्ड है, कोई भी वॉलेट है, वहाँ से पेमेंट करके डायरेक्टली हमारी प्रोडक्ट वहाँ तक अपने घर तक मतलब पहुँच वो मंगवा सकते हैं सीधा डायरेक्टली हमारे पोर्टल से। That's great. तो इस तरह का पोर्टल हमने लॉन्च किया था। मेरा अगला क्वेश्चन है, आपकी कंपनी में ऐसी कौन सी खास बात है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स कंपनी में नहीं है? अगर हमारी प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास जो वर्कर्स है उनको हम यही ट्रेनिंग देते हैं कि प्रोडक्ट का फिनिशिंग और क्वालिटी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए पहले से, यही हम लोग पहले से उनको बताते हैं। और दूसरी बात उसमें हमने इसमें हमारे पास ISO सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी के पास है जो अगेन इंडिया में सबसे पहले हमने ISO सर्टिफिकेशन लिया था। और क्वालिटी की में अगर आगे हम जाएँ तो हमारा जो भी फिनिश प्रोडक्ट है तो हमारा यहाँ पे एक रहता है कि जैसे फिनिश हो गया प्रोडक्ट हम उसमें सारे क्वालिटी चेक्स करते हैं कि इसका फिनिशिंग बराबर है, प्रॉपर है, जो भी डिजाइनिंग है वो प्रॉपर है, कहीं गलती नहीं, तब जाके वो फिनिश होके पैक होता है और उसके बाद में हम लोग शिप करते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले ही इस तरह से क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रखा। और हम जो मटेरियल परचेस करते हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट के लिए ताकि हमारी प्रोडक्ट बढ़िया से बढ़िया बने। और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उनके हिसाब से उनकी क्वालिटी के हिसाब से हम लोग ये यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करके सस्टेन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, ये इम्पोर्टेंट है उनके अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना। हाँ, इसीलिए हमने सारी ISO सर्टिफिकेशन हो या इस जिस तरह का जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन वो सारा हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। सर, आपको हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? ये पहले ही मैंने बताया आपको कि ये मेरा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है जो फैमिली बिजनेस है, मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। फिर उसमें हम लोगों ने पैन इंडिया तक तो हमारी रीच बढ़ाई हुई थी कि हम लोगों ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू पूरे इंडिया में हम लोग हमारी ब्रांड की प्रोडक्ट हम लोग बेचते थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो लोग हैं वो फॉरेन में थे या उनके कुछ फैमिली रिलेटिव्स है यहाँ पे, देखा तो मैंने उनको मंगवाया था, लोग प्रोडक्ट मंगाते थे, इस तरह से चलता रहे। फिर सबकी डिमांड आई कि आप हमें भेजो, वहाँ से भी इंक्वायरी आने लगी। तो फिर मैंने हमने उसमें आगे एक्सपोर्ट मार्केट में भी जाने का देखा और वहाँ पर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और प्रोडक्ट की दाम भी वहाँ पे बढ़िया मिलता था और क्वालिटी जो हम लोग बनाते हैं उनके हिसाब से वहाँ पे अकॉर्डिंगली हमें कस्टमर का मार्केट भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट में मिल रहा है। तो फिर हम लोगों ने आगे एक्सपोर्ट्स में ही ज़्यादा एक्सपांड करने का हम लोग सोच रहे हैं, इसलिए फिर हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, फिर ये हमारा पोर्टल बनाया। ओके सर, अभी आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स के क्या प्लान है? अभी नेक्स्ट 5 ईयर के प्लान में अगर देखें तो हम लोग पूरे इंडिया में और 40 कंट्री तक हम लोग पहुँच चुके हैं ऑनलाइन मीडियम के तरफ से। लेकिन अभी इंडिया में हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि इंडिया में हम लोग पूरे सिटीज में लोकल लेवल पे हम लोग फ्रेंचाइजी के थ्रू करीब हमारा प्लान है कि
से 5 फ्रेंचाइजी स्टोर पूरे इंडिया में हमने ओपन करने का हमारा टारगेट अभी रखा है हमने। ये लोकली भी कोई भी फिजिकल स्टोर पर भी जाके हमारे प्रोडक्ट देख सके, और कस्टमाइजेशन अगर कुछ करना है तो उसमें वहाँ पे प्रॉपरली देख के अपने हिसाब से कस्टमाइज आइटम बनवा का ऑर्डर कर सके। इसलिए सर आप अभी न्यू यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो? भी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो एक दिखते हैं, मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करते हो क्या आप उनका फील्ड का प्रॉपर नॉलेज लो, उसके बारे में प्रॉपरली जान लो। अगर जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में आपने जो भी स्टडी की है उसके हिसाब से प्रॉपरली फाइंड करो, या बिजनेस करते हो तो अपने हिसाब से पूरा मार्केट स्टडी करो, भले ही थोड़ा टाइम लगे तो 6 महीना 1 साल लगे, पूरा वो स्टडी करो, फिर उसके बाद में कहीं पर भी आप जाओ तो अच्छा रहता है। वहाँ पे अच्छी से अच्छी तरह से मेहनत करो ताकि आपकी ब्रांड का नाम, आपका टारगेट वही होना चाहिए कि आपकी ब्रांड एटलीस्ट अपने स्टेट में या अपने कंट्री में तो उनका नाम होना ही चाहिए, ये टारगेट रखकर अगर आप लोग काम करोगे तो मैं मानता हूँ कि आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। इट्स अ ग्रेट एडवाइस कि अपने स्टेट या अपने कंट्री में एटलीस्ट पहले काम करो और एक्सपेक्ट करो, एटलीस्ट इस तरह के काम करो कि वहाँ पर आप नंबर वन हो, इस तरह का टारगेट रखकर आप काम करो। या ओके सर, वीडियो एडिट करने के पहले आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्यूअर्स के लिए आप देख लेते हो हमारी जो ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स है, आप हमारी ऑनलाइन पोर्टल है www.dineshhandicraft.com वहाँ से आप देख सकते हो, या हमें कोई भी सोशल मीडिया पे लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम या सारे मीडिया पे हम लोग अवेलेबल है, वहाँ से भी आप हमारी प्रोडक्ट के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दिनेश हैंडीक्राफ्ट ऑफिशियल ब्रांड नेम से हमारी यूट्यूब में चैनल भी है जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट के लाइव वीडियोस और कस्टमर का जो रिव्यूज है उस तरह के वीडियोज हम लोग वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, तो प्लीज आप जाके वहाँ पे यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे के प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलती रहे और हम जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सर, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू हियर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू नेहा, इट वॉज माई प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस ग्रेट। Okay, thank you.